तो हेलो दोस्तों, यदि आपका श्रमिक कार्ड बना है और आप बनाना चाह रहे हैं अपना आयुष्मान कार्ड, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। मैं यहाँ पर आपको पूरा ये कार्ड लाइव बना के दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको बनाना है कार्ड। ठीक है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा शुरू से अंत तक अगर आप वीडियो देखते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मेरे पास जो ये लिस्ट है उन लोगों की जो लोग पात्र तो हैं इस योजना के अंतर्गत, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना कार्ड नहीं बनाया है। ठीक है, तो आप क्या करिए, अगर आप सीएससी सेंटर चलाते हैं तो आपको इस तरीके की लिस्ट जरूर ही चाहिए होगी ऐसे लोगों की जिन लोगों ने अभी तक नहीं बनाया है। वहाँ पर आप जाकर के उनसे संपर्क करें, उनके कार्ड बनाएं और आप अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं इससे। तो अगर आप लोगों को ये लिस्ट चाहिए है, आप किसी भी ब्लॉक से हों, किसी भी ज़िले से हों, किसी भी प्रदेश से हों, अगर आपको ये लिस्ट चाहिए है तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो एक पहले बना चुका हूँ। उस वीडियो को आप एक बार वॉच कर लीजिए, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि लिस्ट आपको किस तरीके से मिलेगी। बाकी हम बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए लेबर रजिस्ट्रेशन नंबर, ये इस कैंडिडेट का लेबर रजिस्ट्रेशन है, मतलब श्रमिक कार्ड बना है इसका। ये राशन कार्ड है, नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, पता, ये सब कुछ दिया गया है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि अगर आपका श्रमिक कार्ड बना हुआ है तो आप किस तरीके से अपना कार्ड बनाएंगे। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप जो आपका पोर्टल है आयुष्मान भारत का वहाँ पर आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है नीचे बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शंस वर्कर, इसे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है कि आप इससे पहले क्या कर रहे थे। अगर आपको नहीं पता है तो आप इससे पहले क्या कर रहे थे कि आप डाल रहे होंगे यहाँ पर श्रमिक कार्ड जो नंबर है 09 से, वो नहीं डालना है आपको। यहाँ पर डालना है राशन कार्ड नंबर। ठीक है, ये मतलब नहीं है कि राशन कार्ड कौन सा है, APL BPL कोई भी हो, आपको वही राशन कार्ड नंबर डालना है। जैसे आप डालेंगे तो नीचे की तरफ आप देखेंगे डाटा सर्च होकर के आ जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार यहाँ से तो मैंने बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शंस वर्कर का ऑप्शन सेलेक्ट किया और राशन कार्ड नंबर डाला, डाटा आ गया, तो यही तो अभी अपडेट किया गया है इस वेबसाइट को। उसके बाद आपको जिस किसी का भी यहाँ पर कार्ड बनाना हो उसका आप सेक्स सर्च पे क्लिक करेंगे। हालांकि KYC का ऑप्शन तुरंत नहीं आएगा, आपको सेक्स सर्च पे क्लिक करना है। उसके बाद आप नीचे की तरफ यहाँ पर गाँव का नाम डाल दीजिएगा। ठीक है, अगर ग्रामीण क्षेत्र से है, अगर शहरी क्षेत्र से है तो वार्ड नंबर या कुछ भी आप जो है उसे लिख दीजिएगा। उसके बाद आप सर्च कर दीजिए, सर्च करेंगे तो नीचे की तरफ आप देखेंगे नो रिकॉर्ड फाउंड, फिर से एक बार सर्च करेंगे तब भी नो रिकॉर्ड फाउंड, तीसरी बार ये सर्च करेंगे तो आप देखेंगे नो रिकॉर्ड फाउंड, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन आ गया, तो कंटिन्यू के ऑप्शन पे आप कर देंगे क्लिक। उसके बाद आप यहाँ से आधार पे क्लिक करेंगे कि आपको आधार के थ्रू इस कार्ड को बनाना है। आई एग्री पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर जनरेट OTP पर आप क्लिक कर देंगे। अगर मोबाइल नंबर आपका है, मोबाइल आपके पास है तो OTP जनरेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर OTP एंटर कर देंगे। OTP एंटर करने के बाद आप वेरीफाई OTP पर कर देंगे क्लिक, मोबाइल नंबर वेरीफाइड। ठीक है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और क्लिक करेंगे प्रोसीड पे। जैसे आपने प्रोसीड किया, अब यहाँ पर पूछेगा सेलेक्ट ऑथेंटिकेशन टाइप, तो यहाँ से आधार OTP से कर सकते हैं, आयरिस या फिंगरप्रिंट, तो मैं फिंगरप्रिंट ही कर देता हूँ, OTP में टाइम लगेगा। हम यहाँ पर सिंपल सा आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे कैप्चा पे, कैप्चा भी भर देंगे। उसके बाद कैप्चर बायोमेट्रिक पे क्लिक करेंगे और बायोमेट्रिक जो है वो कैप्चर यहाँ पे कराएंगे और आप देखेंगे कि डाटा यहाँ पर फेच होकर के आ चुका है। अब यहाँ से ये तो आप सब जानते होंगे कि क्या यहाँ पर करना है क्या नहीं करना है। रूरल सेलेक्ट कर लेंगे, ये पूरा डाटा भरने के बाद नेक्स्ट पे कर देंगे क्लिक। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फैमिली का डाटा पूछ रहा है किस तरीके से आप फैमिली को वेरीफाई कराएंगे, तो हम राशन कार्ड ही यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, राशन कार्ड नंबर डाल दिया, चेक डॉक्यूमेंट डिटेल पर करेंगे क्लिक। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो फैमिली में जितने मेंबर हैं सभी मेंबर यहाँ पर आ जाएंगे, और अगर आपको सही लगता है तो आप सबमिट फैमिली डिटेल पे करेंगे क्लिक। और उसके बाद आप प्रीव्यू करना चाहें तो इस डिटेल को एक बार प्रीव्यू कर सकते हैं, एडिट करना चाहें एडिट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि फ़ोटो की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। वो फ़ोटो की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि जो राशन कार्ड नंबर मैंने शुरुआत में डाला था वही राशन कार्ड नंबर यहाँ पर भी है। अगर नंबर मिसमैच होता तब यहाँ पर हमें फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती, लेकिन सेम है तो मुझे फ़ोटो की ज़रूरत कोई नहीं है। इसके लिए हम इसे सबमिट पे कर देते हैं क्लिक और ओके करेंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे और आप देखेंगे कि डाटा सेव्ड एंड फॉरवर्डेड फॉर अप्रूवल, ओके कर देंगे। जैसे ओके किया तो हमारा जो डाटा है वो सबमिट हो गया है और आपको 24 घंटे का वेट करना है और ये कार्ड आपका बन करके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से मतलब श्रमिक कार्ड से अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। ओके, आई होप दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, इस लिस्ट को आप लोग एक बार जरूर देखिएगा, ये लिस्ट, ये वीडियो को तो आप जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप इसे ज़रूर देखिए कि किस तरीके से लिस्ट मिलेगी। बाकी लिस्ट अगर आपको जब मिल जाती है तो काम करना चाहिए, इसमें काम भी कर सकते हैं।
जानकारी बस इतनी थी। उम्मीद है पसंद आए होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, कल भी एक इस तरीका का वीडियो आपको देखना है तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करिए। पड़ोस में बेल आइकन आएगा उसे भी दबा लीजिएगा, क्योंकि कल मैं फिर एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा और उम्मीद रहेगी कि वो भी वीडियो आपको जरूर ही पसंद आए। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, मुझे दीजिएगा इजाज़त। कल हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।